हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे MIUI 11 के मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऐप ड्रॉअर के फीचर के बारे में। तो दोस्तों, MIUI 11 के अपडेट के साथ Xiaomi के मोस्टली डिवाइसेस में ऐप ड्रॉअर का फीचर देखने को नहीं मिला था, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा इजी मेथड बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप Xiaomi के किसी भी डिवाइस में ऐप ड्रॉअर के फीचर को यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके लिए कोई भी आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, आपको सिस्टमाइज ही यहाँ पर ऐप ड्रॉअर का फीचर मिल जाएगा। साथ में आप इसके बैकग्राउंड वगैरह को सब कुछ यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको डार्क में चाहिए, लाइट में चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे डिवाइस में ऐप ड्रॉअर का फीचर अनेबल हो चुका है, साथ में ये काफ़ी सारे हिडन सेटिंग्स आपको मिल जाती है। तो कैसे आपको इसे अनेबल करना है एंड यहाँ पर Xiaomi के काफ़ी सारे डिवाइसेस में, मैं आपको इसे लाइव यहाँ पर इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं पुराने से नए डिवाइसेस में मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। तो यार, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि Xiaomi के किसी भी डिवाइस में अपडेट आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। एंड गाइज, कल मैंने MIUI 11 के टॉप हिडन सीक्रेट सेटिंग्स के बारे में बताया है, तो ये वाली वीडियो आपको यहाँ पर ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी। तो इस वीडियो के बाद ज़रूर से चेकआउट कर लीजिए, काफ़ी सारे हिडन फीचर्स के बारे में डिटेल में बताया है। तो गाइज, अगर बात करी जाए ऐप ड्रॉअर के फीचर के बारे में, तो यहाँ पर आपको MIUI 11 में ऐप ड्रॉअर का फीचर आपके डिवाइस में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कैसे आपको इसे अनेबल करना है। तो दोस्तों, इसको अनेबल करने के लिए आपको जो Xiaomi का सिस्टम लॉन्चर है उसको अपडेट कर लेना है। तो ये वाली फाइल आपको मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 8 MB के अप्रोक्स इसका साइज है। ये यहाँ पर जो सिस्टम लॉन्चर है Xiaomi का खुद का ऑफिशियल लॉन्चर है, उसका अपग्रेडेड वर्जन है, नवंबर 28 नवंबर का लेटेस्ट ये आपको मिल जाता है। तो इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, सबसे पहले आपको इसको लॉन्चर को डाउनलोड करके अपने डिवाइस में सिंपली अपडेट कर लेना है। ये कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं है, ये Xiaomi का खुद का ही ऑप्शन लॉन्चर है। उसके बाद गाइज, जैसे आप होम स्क्रीन पर आओगे, यहाँ पर सेटिंग्स में होम स्क्रीन के ऑप्शन में आने के बाद आप देखोगे यहाँ पर होम स्क्रीन में दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, रेगुलर एंड विद ऐप ड्रॉअर। तो दोस्तों, जैसे आप रेगुलर पे क्लिक करोगे तो आपका जो ऐप ड्रॉअर है आप देख सकते हैं वो यहाँ से हट चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसे आप विद ऐप ड्रॉअर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऐप ड्रॉअर है डिवाइस में वो यहाँ पर अभी सक्सेसफुली लग चुका है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड साथ में गाइस, काफ़ी सारी सेटिंग्स आपको मिल जाती है। यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड ऐप ड्रॉअर का भी नया ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो ऐप सजेशंस आपको यहाँ पर यूज़ करने हैं या फिर नहीं वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। मैनेज ऐप कैटेगरीज, तो मैं एक बारी आपको इसको रिसेट करके दिखाऊंगा। मैनेज ऐप कैटेगरीज को एनेबल करने के बाद गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको और भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, ऑल, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, फोटोग्राफ, टूल्स, शॉपिंग। तो ये अपने अकॉर्डिंगली ऐप्स को यहाँ पर डिवाइड कर देगा कि शॉपिंग में ये सारी ऐप्स होनी चाहिए, गेम्स में ये हैं, क्रेडिट, फाइनेंस, बिजनेस। तो आप देख सकते हैं सारी एप्लीकेशन अपने आप ये आपको प्रोवाइड कर देगा। एंड अगर आपको ऐप ड्रॉअर का जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर कंट्रोल करना है, तो इसके लिए सेटिंग्स में होम स्क्रीन में ऐप ड्रॉअर के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है बैकग्राउंड का, एंड बैकग्राउंड के अंदर आपको लाइट का ऑप्शन मिलता है, आपको सिस्टम का ऑप्शन मिलता है, मतलब जो थीम के अकॉर्डिंग है। जैसे मैं लाइट पर यहाँ पर कंट्रोल क्लिक करता हूँ एंड मैं जैसे अप्लाई करूँगा तो आप देख सकते हैं जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर लाइट हो चुका है। जैसे मैं डार्क पर क्लिक करके अप्लाई करूँगा तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड यहाँ पर पूरा का पूरा ब्लैक हो चुका है। एंड साथ में आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना परसेंट आपको ब्लैक ये चाहिए, जैसे मैं 50% करूँगा अभी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैक यहाँ पर आधा आपको दिखाई देगा। तो इस टाइप से गाइज, आप यहाँ पर ऐप ड्रॉअर के फीचर को यूज़ कर सकते हैं। और बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रेडमी नोट 5 प्रो के बारे में, तो काफ़ी सारे लोग यार कमेंट करते हैं कि हमारे डिवाइस में ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। तो मैंने भी इसमें सेम यहाँ पर लॉन्च किया है, जो सिस्टम लॉन्चर है इंस्टॉल किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ऐप ड्रॉअर के अंदर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं बिल्कुल परफेक्टली। रेडमी नोट 5 प्रो, रेडमी नोट 6 प्रो सब में ये काम करता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रेडमी की नोट 7 सीरीज़ के बारे में, तो आपके पास चाहे रेडमी नोट 7 है, नोट 7S, नोट 7, कोई भी आपके पास डिवाइस है तो वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। विद ऐप ड्रॉअर पर मैं क्लिक करता हूँ एंड ऐप ड्रॉअर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ऐप ड्रॉअर का अलग से ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। बैकग्राउंड सब आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जबकि दोस्तों, जो आपका Redmi Note 4 पुराना डिवाइस है उसमें भी आपको ये ऑप्शन, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यार, काफ़ी अच्छी बात है जो ये मैंने आपको ट्रिक बताई है, ये Xiaomi के पुराने डिवाइस से लेकर नए डिवाइसेस में सभी में यहाँ पर परफेक्टली काम करता है, तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस मेथड को आप ज़रूर से ट्राई कीजिए।
तो अभी गाइस जो ऐप ड्रॉअर का फीचर है वो यहाँ पर टेस्टिंग में है, जल्दी आपको आगे आने वाले अपडेट्स में ऑप्शनली भी मिल जाएगा, लेकिन ये यहाँ पर शाओमी की तरफ से प्रोवाइड किया जा चुका है। तो आपको सिंपली सिस्टम लॉन्चर को अपडेट कर लेना है एंड आप इसे अपने डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, हमने अपने दूसरे चैनल पर फर्स्ट टाइम एक एंटरटेनिंग मोटिवेशनल वीडियो अपलोड किया है जो कि इंडियन आर्मी की स्टोरी के ऊपर बेस है, तो आप इस वीडियो को जरूर से एक बार ही देखिए। अगर आप इंडियन आर्मी को सपोर्ट करते हैं तो जरूर से इस वीडियो को चेकआउट कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पर मैं आपको ऊपर आई बटन पर इसका लिंक देता हूँ एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। तो गाइज आई होप आपको ये वाली वीडियो यार पसंद आई होगी। तो वीडियो बनाने में यार मेहनत लगती है, तो वीडियो को जरूर से आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।